बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलशिफा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मोटापा ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान और घरेलू टोटका बताऊँगी, जिसके इस्तेमाल से आप घर में ही अपना मोटापा ख़त्म कर सकते हैं बग़ैर किसी एक्सरसाइज के, बग़ैर किसी मेडिसिन के। सो वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मोटापा इंसान की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। मसलन चेहरा हसीन होने के बावजूद इंसान खूबसूरत नहीं लगता। मोटापे के बायस इसको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी घेर लेती हैं। मोटापे का इलाज सिर्फ एक दाने से है। ये नुस्खा मोटापा ख़त्म करने का दुनिया का सबसे आसान और तेज़ तरीन टोटका है। ये एक दाना जिस्म पर चढ़े चर्बी के लोथड़ों को पिघला कर रख देगा। आजमा कर देख लें। आपने एक कप तेज़ गर्म पानी लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ये आलू बखारा आपको आसानी किसी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। आपने एक गर्म पानी आपने एक कप ले लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने ये तीन दाने आलू बुखारे के डाल लेने हैं। गर्म पानी भी बढ़ते हुए वज़न को तेज़ी से कम करता है। ये गर्म पानी करके कप में डाल लें। फिर आपने इसमें एक से तीन दाने आपने खुश्क आलू बुखारे के डाल देने हैं। और उसके बाद आधा घंटा आपने इस गर्म पानी को ढक कर रख देना है। मसलन एक कप में आपने तेज़ गर्म पानी लेना है। उसके बाद आपने ये तीन दाने आलू बुखारे के उसके अंदर डाल के डिप करके रख देने हैं, ढाँप के रख देना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने किसी चम्मच या हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मसल देना है उस पानी के अंदर। उसके बाद आपने इसे खा लेना है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से या अपने हाथों की मदद से आलू बुखारे को इस पानी में मसल दें, गुठली निकाल कर फेंक दीजिएगा। बाकी जो इसका गूदा है वो आप पानी में शामिल कर लें और थोड़ा सा आपने ये पी लेना है। आपने ये जो ड्रिंक है आपने सुबह नाश्ते के एक घंटे बाद पीना है और शाम को खाने के एक घंटे बाद। आप चाहे तो आप ये नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप ये नाश्ते से पहले इस्तेमाल करेंगे उतना आपके मोटापे में फ़र्क आएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज का टोटका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।